तो कुछ समय पहले गूगल ने एंड्रॉयड 14 का जो बीटा 1 अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया अपने पिक्सल के डिवाइसेस के लिए दोस्तों। और सैमसंग ने भी अब जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दी है। तो गुड न्यूज है सैमसंग यूजर्स के लिए कि फाइनली सैमसंग ने जो वन यू आई 6.0 की टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दी है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों वन यू आई 6.0 के बीटा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाख, 90 लाख आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है द गैलेक्सी वन यू आई 6 इज करेंटली बीन डेवलप्ड लाइक एन ए ओ डी एंड विल इंक्लूड ए बैटरी परफॉर्मेंस टैब, इम्प्रूवड एंड्रॉयड सिक्योरिटी, सैमसंग पे सपोर्ट इन एरोप्लेन मोड एंड मोर। तो यहाँ पर AOD में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जाने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में हो सकता है कि हमें विजिट्स का सपोर्ट देखने को मिल जाए दोस्तों, और एडेप्टिव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाए दोस्तों। यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल सकता है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे विजिट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे बैटरी का विजिट हो गया, वेदर का विजिट हो गया दोस्तों, और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के विजिट हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर शो करेंगे। तो ये फीचर आने वाला है, सैमसंग AOD में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेगा और फीचर्स को ऐड करेगा। इसके अलावा बैटरी परफॉर्मेंस टैब यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड करने वाला है। साथ ही सैमसंग पे का जो फीचर है वो अब एरोप्लेन मोड में भी वर्क करेगा। सैमसंग वन यू आई 6.0 में इस फीचर को इंक्लूड कर सकता है। तो सैमसंग ने पिछले साल जून के स्टार्टिंग में टेस्टिंग स्टार्ट की थी, लेकिन इस बार मई में ही सैमसंग ने टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया। तो जुलाई तक बीटा अपडेट आ सकता है वन यू आई 6.0 का S23 सीरीज के लिए। बाकी और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।